आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कॉल फॉरवर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने मोटरोला के फ़ोन में, और ऑन ऑफ दोनों करना बताऊँगा। बेसिकली ऑन करना आप जान गए तो ऑफ़ करना भी जान जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आकर के ऑफ़ कर देना होता है, या फिर रेंडमली यहाँ पर जो भी हम नंबर डालते हैं उसको आप यहाँ से इस पर क्लिक करके डिलीट करके टर्न ऑफ कर देना होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू से जानते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा वीडियो कॉलिंग और ऑडियो कॉलिंग वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, आपको डायल पैड पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद अकाउंट वाले ऑप्शन, कॉलिंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। कॉल फॉरवर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको जो भी करना है उस पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो कॉल पे क्लिक कर दिया है, और आप चाहे तो ऑडियो कॉल पे भी क्लिक कर सकते हैं, वॉइस कॉल जहाँ पर लिखा हुआ था। तो इस पर क्लिक करने के बाद ऑलवेज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको वो नंबर डालिए जिस नंबर पर आप चाहते हैं इसका कॉल उस नंबर पर आए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसका कॉल इस नंबर पर आए, जो कि मेरा, मतलब आपको पता ही है कि ये एयरटेल आइडिया वोडाफोन का कस्टमर केयर नंबर है, और इस पे बार बार जाएगा जो भी मुझे को कॉल करेगा। तो इसी तरीके से आप किसी के साथ प्रैंक भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से टर्न ऑन कर सकते हैं और यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इस पे क्लिक करके आप इसको बैक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ़ है, इसी तरीके से ऑफ़ करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि वाईफाई कॉलिंग कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करते हैं ऑन या फिर ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।